गाइज गुड मॉर्निंग आई एम ऑडिबल विजिबुल क्या आप लोग सुन पा रहे हो देख पा रहे होम ऑडिबल विजिबल ऑडियो बिल्कुल सही आ रहा है तो मारे फ्रेंड्स आप सब लोगों का अनकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जल्दी से आप लोग जुड़े वेरी वेरी गुड मॉर्निंग निष्ठा लक्ष्मी जल्दी से आप प्रद्युम्न वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जल्दी से अपने अपने ग्रुप्स में लिंक्स को आप शेयर कर लें और हम लोग इस सेशन को बिल्कुल ऑसम मेरे शब्दों में बिल्कुल झमाझम आगे बढ़ाते हैं गाइस ए वी इज फाइन ग्रेट थैंक्स फॉर इन्फो कि ए वी बिल्कुल फाइन है बिल्कुल क्या बात है बहुत अच्छी लाइन बहुत अच्छी लाइन पसीने की स्याही से लिखे पन्ने पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते वेल सेड निष्ठा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कहा आपने बहुत बढ़िया सो so गाइज मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का इस एनुअल करंट अफेयर सीरीज ऑन एनवायरमेंट एंड जोग्राफी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस आप जानते हो कि आई एम अ वेरी स्ट्रांगली हाईली एक्सट्रीमली पॉजिटिव मैन कभी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और मैंने आपसे वादा किया था कि इसी चैनल पे हम 9 पीएम लाइव शंकर आई करने वाले हैं लगातार अप टू एथ ऑफ फेब आठ फेब तक और फिर बीच में आपको कुछ दिनों का कुछ दिनों तक हम क्या करने वाले हैं हम ब्रेक लेंगे फॉर थ्री फोर डेज और फिर वापस बैंक के साथ आएंगे माई सेल्फ अजित तिवारी है मोर देन सिक्सटीन ईयर्स मेंटेड मोर देन टेन लैक स्टूडेंट ये सोलह वर्ष भगवान श्री राम के वनवास से भी ज्यादा पढ़ने पढ़ाने में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला दिस इज द ब्यूटी जब आप अपने काम में अपने प्रोफेशन में आप अपने पढ़ाई में हम पढ़ाने में डूब जाएं तो समय का पता नहीं चलता है और अगर पढ़ाई बोझ बन जाए मतलब लक्षण ठीक नहीं है मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि क्या पढ़ाई बोझ बन रही है सो आई आई हैव एज अ सीनियर फैकल्टी इन टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ टू इंटरेक्ट लॉट एंड बट ऑबियस द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न हमें गलतियों से सीखना है अगर आपके पास अनकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो मेरे कंप्लीट जोग्राफी ऑप्शनल गाइज जितने लोगों के पास प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है नहीं है नहीं है तो अजीत लाइव कोड यूज करके झमाझम ले लो जिनके पास है डोंट मिस माई कंप्लीट कोर्सेस बहुत जबरदस्त कंटेंट फिजिकल जोग्राफी इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड जोग्राफी बिल्कुल यूपीएससी लेवल का कोई एसएससी लेवल की बात नहीं हुई है एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स भी बिल्कुल अच्छा है डिजिस्टर की बात हम करने वाले हैं है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए आप और हम लोग झमाझम कर रहे हैं जितने लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है टॉप टीम हमारी अवेलेबल है अजीत लाइव कोड यूज़ करें और अपने अकॉर्डिंग आप एजुकेटर्स को सिलेक्ट करें तो ऑफर इज गोइंग ऑन एटीन मंथ्स कॉम्बो का डिस्काउंट थ्री थाउजेंड एट एट अगर आप एक बार में पे करना नहीं चाहते तो आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई एम आप क्रेडिट कार्ड यूज करके नो कॉस्ट ईएमआई पे जा सकते हो फ्रेंड्स बुक्स मिलेंगी टेस्ट सीरीज हैं ऑसम गाइडेंस आपको इसलिए अवेलेबल है ठीक तो आप ऑफर्स के फायदा जरूर उठाएं कॉम्बैट हर संडे आप 11 एम देखें फ्री मेगा टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल वी आर गोइंग तो टू सून लॉन्च अब चैनल रिगार्डिंग ऑप्शनल आइकॉनिक में आपके पास एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं लोनिंग देयर ठीक आप उसके लिए भी टीम से बात कर सकते हो बैचेस आर कमिंग बैच का आप वेट ना करें तो गाइज कॉम्बो ऑफर पे जाएं अगर आप बिगनर्स हो ठीक गो फॉर टू ईयर थ्री ट्वेंटी फोर मंथ थर्टी सिक्स मंथ बट ऑब्वियस जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा आप प्रॉपरली टॉपिक को टाइम दे पाओगे एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज ठीक मोर इम्पोर्टेंट इज गाइज कि आप देख पाओगे कि आप कोड ऑफ सक्सेस अप्लाई करोगे डिस्काउंट के साथ बहुत सारी चीजें आगे होंगी गुड मॉर्निंग हिमांशु ओके निष्ठा बिल्कुल बिल्कुल आंचल हम करेंगे बहुत कुछ करेंगे तो गाइज क्या आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स में झमाझम लिंक्स को शेयर कर दिया है यस और नो हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं गाइज कल आपसे इंडियन एनवायरमेंट सर्विसेज के बारे में थोड़ा मैंने प्रकाश डाला था याद है आपको ठीक भाई सुप्रीम कोर्ट के इंटरफ्रेंस के बाद लॉयर समर विजय सिंह के पिटिशन के बाद एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट सर्विसेज की बात की गई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ टी एस आर सुब्रमण्यम आप जानते हो इट वॉज फॉर्म्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये मैंने कल आपसे बताया था ठीक <coughs> है टू थाउजेंड फोर्टीन की बात हुई है क्यों नहीं ताकि वो रिव्यू कर पाए एनवायरमेंटल लॉस को क्या है? आउटकम क्या आया की पॉलिसीज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तो स्ट्रांग है बट इंप्लीमेंटेशन इज वीक इंप्लीमेंटेशन वीक है ठीक गाइज आप अपनी कमेंट्स वीडियोस पे करते रहें वीक इंप्लीमेंटेशन ही क्रिटिसिजम के लिए रिस्पॉन्सिबल था एनवायरमेंटल गवर्नेंस की बात हो रही है बाइक कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स एंड जुडिशरी अगर इंडियन एनवायरमेंट सर्विस की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस इधर प्रिस्क्राइब बाई एम ओ ई एफ सी सी डी ओ पी टी और यूपीएससी राइट नाउ जो हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज के ब्यूरोट हैं दे आर डीलिंग विद एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड पॉलिसीज वो इससे डील कर रहे हैं एट प्रेजेंट जो अप्रूवल सिस्टम है है ना जो मैनेजमेंट है वहाँ इशूज हैं बट ऑबियस हमें इसपे इफेक्टिवली कार्य करने की जरूरत है फिर मैंने आपसे लिविंग रूट ब्रिजेस पे चर्चा की थी बस मैं आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा दिस इज दिस टेक्निक इज लिमिटेड टू इंडिया क्या ये सिर्फ भारत में सीमित है लिमिटेड टू इंडिया यस नो यस नो जल्दी से आप कमेंट करें लिमिटेड टू इंडिया यस नो क्या इंडियन असम रबर ट्री फाइकस इलास्टिका यूज हो रहा है क्या ये ओनली लिमिटेड है इन इंडिया टू मेघालय सिर्फ मेघालय में लिमिटेड है या ये नागालैंड में भी आपने ऑब्जर्व किया है क्या इसे लोकली मेघालय में जिंग जियंग जिरी मैंने आपको बताया था आप इसे बोलते हो तो गाइज फाइकस इलास्टिका कॉमन इन मेघालिया आर हैंडमेड बिल्ट यूजिंग लिविंग प्लांट रूट है सस्पेंसन ब्रिज अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम रबर फिक ट्री अजीत ट्री जैंतिया खासी पीपल ठीक जिंग जिय बड़ा ही अच्छा लग रहा है प्रोनाउंस करके उच्चारण करके और आपने देखा यार सो स्ट्रॉन्ग की पांच सौ साल तक अगर ट्री हेल्थी है तो रूट भी हेल्थी होंगी इन नागालैंड ऑफ जावाई थी तो फाइकस इलास्टिका रबर ट्री दिस रूट देवर टाइम ऐसी बात आपसे हुई थी गाइस कल एक टर्म यूज हुआ था इनोस्कुलेशन याद आ रहा है इनोस्कुलेशन आइए रिकॉल करते हैं कि यंग रूट्स का ट्विस्ट करना टाई करना टुगेदर टू फॉर्म दीज ब्रिजेस ठीक पीपल यूज द प्रोसेस ऑफ इनोस्कुलेशन रूट्स को साथ में बाइंड करना ग्रोइंग ऑफ ट्रंक एंड रूट्स ऑफ टू और मोर ट्रीज टुगेदर और फिर हम चर्चा कर रहे थे फाइकस इलास्टिका की ठीक इंडियन रबर ट्री की फाइन मोस्ट कॉमन ट्री दैट इज यूज इन लिविंग रूट ब्रिजेस बिल्डिंग और डबल डेकर की बात हुई थी आपसे डबल डेकर लिविंग रूट विलेज इज फाउंड नियर रेंथिलियांग विलेज ऑफ नोंग्रियाट इज ऑल्सो डबल डेकर ट ब्रिज ऐसे प्यारे प्यारे नाम अरिका पाम अरिका सुपारी ट्रंक ऑफ अरिका नट पाम्स आर फर्स्ट हॉलोड तो उसे भी आप यूज कर रहे हो ठीक गाइस, नाउ गिव मी अग थम्स अप आप मुझे ये एक सुझाव दें जो मैंने फास्ट फास्ट क्विक रिकैप करा दिया क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं? या पिछली क्लास की लिंकेजेस या रिवीजन जल्दी जल्दी ना कराऊं जल्दी से मुझे आप बताएं कमेंट वो लोग करेंगे जो रेगुलर है गाइस बड़ा हर जगह देखो स्टार रेटिंग ओके ओके हर जगह देखो स्टार रेटिंग की बात चल रही है ओके okay, शुक्रिया करेंगे, Guys, हर जगह देखो स्टार रेटिंग की बात हो रही है गाइज अगर मैं अपनी बात करूं ठीक तो आप मेरे भी प्रोफाइल पर जाके अपने व्यूज अनकेडमी के ऐप लर्निंग ऐप के थ्रू ठीक दे सकते हो लिख सकते हो ठीक अजीत लाइव गूगल पर सर्च करोगे तो वहां भी आपको गूगल रिव्यूज अजीत तिवारी को दे दें कि आपके पास स्टार रेटिंग ऑप्शन होंगी फिलहाल मैं एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं एम ओ ई एफ सी सी की बात कर रहा हूं एम ओ ई एफ एंड सी सी भाई एम ओ एफ सी सी ने कहा कि भाई अब हमने लॉन्च किया है स्टार रेटिंग सिस्टम कि कौन एनवायरमेंटल क्लियरेंस कौन एनवायरमेंटल क्लियरेंस ठीक कैसे प्रोवाइड कर रहा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री स्ट रैंक रैंक ही करेगा और इंसेंटिवाइज करेगा स्टेट्स को यूटीज को विथ दिस न्यू सिस्टम ठीक कौन स्टेट और यूटी एनवायरमेंटल क्लियरेंस को एनवायरमेंटल क्लियरेंस को कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में कितने अल्प समय में शॉर्ट ड्यूरेशन में दे रहा है इसकी बात हो रही है ठीक तो इसमें ऑन स्केल्स स्केल्स दिए जाएंगे ठीक आइए इस पर चर्चा करते हैं बड़ी मजे की बात है ओके शुक्रिया दीपक बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार आशीर्वाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री स्टार रेटिंग सिस्टम आइए समझते हैं कितना ये स्टार रेटिंग इंपॉर्टेंट हो गया गाइस जब मेरी टेक्निकल टीम मुझे बता रही थी कि सर एक चीज गूगल रिव्यू होता है फ्यू डेज बैक तो मैंने कहा भाई ये क्या है सर इसमें स्टूडेंट्स आपके लर्नर्स आपके प्रोफाइल पर जाके गूगल पर सर्च करेंगे अजीत लाइव फिर बॉटम पे जाके उनको गूगल रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा और फिर उस पर वो आपको स्टार देंगे फाइव आउट ऑफ फाइव जिनको लग रहा है और फिर वो अपने दिल के हाल बया करेंगे और एनी वन कैन सी अंदर अच्छा ही तो बड़ा अच्छा है ये बात देखो आप मिनिस्ट्री को समझ में आई है ठीक फीचर्स की बात हो रही है डिवीजन ऑफ पावर्स की बात हो रही है आइए जरा इस न्यू सिस्टम पे चर्चा करते हैं ठीक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च स्टार रेटिंग सिस्टम क्लियर सिस्टम प्रोवाइड एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन शॉर्ट ड्यूरेशन वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रोवाइड कर रहा है अच्छा रैंक एंड इंसेंटिवाइज स्टेट विद दिस न्यू सिस्टम ओके मिनिस्ट्री ये पता लगाएगा ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस कितनी एफिशियंटली शॉर्ट ड्यूरेशन में दिया गया किसने प्रोजेक्ट को बहुत लंबा नहीं लटकाया और फिर उसको इंसेंटिव दिया जाएगा ऑन स्केल ऑफ सेवन गूगल रिव्यूज का स्केल ऑफ फाइव है ओके गाइज स्टेट रिसीव टू मार्क्स दो तो नंबर उनको मिलेगा अगर क्लियरेंस 80 डेज से कम है अगर क्लियरेंस 80 डेज से कम है तो टू मार्क्स विल बी गिवन अगर 105 दिन में है तो वन उससे ज्यादा है तो जीरो लेस देन टेन परसेंट स्टेट लेस टेन परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर स्क्रूटनी प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया है दस परसेंट से कम अगर बचे हैं तो उसे एक्स्ट्रा देन वन मार्क इज प्रोवाइडेड एंड सो ऑन आइए जरा इस बात को समझते हैं गाइज एक चैप्टर है मैं आपको नाइन पी एम वाली क्लास में कराऊंगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लियर वहां इसके बारे में और चर्चा करेंगे इट इंट्रोड्यूस कंडीशन फॉर स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज ये कंडीशन किस आधार पे हैं प्रोपोजल्स वेटिंग फॉर मोर देन प्रोपोजल्स वेटिंग फॉर मोर देन थर्टी डेज ठीक टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रपोजल वेटिंग फॉर मोर देन थर्टी डेज अच्छा परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ फ्रेश टर्म्स ऑफ रेफरेंस एनवायरमेंटल क्लियरेंस वेटिंग फॉर मोर देन हंड्रेड फाइव डेज कॉम्प्लेन का रीअसेसमेंट सिस्टम विल प्रोवाइड स्टार रेटिंग टू एस ई आई ए ए अगर बात करें स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी एसई आई ए रेटिंग इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अथॉरिटीज इन दास्ट सिक्स मंथ एवरेज टाइम जो क्लियरेंस का था 105 दिन से घटा के 75 डेज कर दिया गया क्वेश्चन इज 105 दिन कहा से आया बिल्कुल ये देखिए आप रेटिंग्स आर अपडेटेड इन मंथ एंड एवरेज टाइम टेकन टू ग्रांड देंस है हंड्रेड फाइव डेज डेज था इज इन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ टू थाउजेंड सिक्स क्वेश्चन इज आखिर डिवीजन ऑफ पावर कैसे हो रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देखिए आप द सिस्टम सेज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव फर्स्ट बाई स्टेट एजेंसी इसके लिए स्टेट एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कमिटी विथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट एंड स्टेट ऑफिसर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट दैट इज दैट इन्वॉल्व फॉरेस्ट लैंड उन्हें आप कैटेगरी ए में डालोगे आप

वो प्रोजेक्ट्स जो लेस पॉल्यूटिंग हैं, उनको आप कैटेगरी बी में डालोगे और स्टेट एजेंसी उसे डील करेंगी गाइस, आखिर इस न्यू सिस्टम के लाने की क्या जरूरत थी हैव लुक वाई द न्यू सिस्टम सिंपली बिकॉज टू इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन कैबिनेट सेक्रेटरी हेल्ड अ मीटिंग ऑन इम्प्रूविंग इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कई जितने हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जी ओ बहुत सारी वो इसका विरोध कर रही है कि भाई आप इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे एनवायरमेंट की साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो दे डिसाइडेड टू एनवायरमेंटल थ्रू स्टार रेटिंग सिस्टम द कलियरस आर टू बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन टाइम लाइन्स एंड एफिशिएंसी इसके आधार पे आइए इन बातों को और समझते हैं गाइस द प्रपोज सिस्टम ज इन वायोलेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एम और फोकस क्लियरिंग है प्रोजेक्ट का इन शॉर्ट ड्यूरेशन जबकि आपका फोकस हेल्थ ऑफ एनवायरमेंट हाउ विल द प्रोजेक्ट एफेक्ट द एनवायरमेंट What can be done to reduce the environmental loss induced by the project? क्या हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव है हमें इन सारी बातों पे फोकस करना चाहिए न कि सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन कई स्टेट्स अपनी रेटिंग को सुधारने के चक्कर में आनंद फानंद में दे विल गिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन हरी इन ऑर्डर टू गेट गुड स्टार्स इन ऑर्डर टू गेट गुड इंसेंटिव बाय द सेंटर इन प्रोजेक्ट बी दे कैन टेक एक्शन इन हरी तो यह एक चिंता का घनघोर विषय है गाइज क्या इतनी बात समझ में आ रही है मैं अब अगले टॉपिक में आपका यह चेक करने वाला हूं कि क्या आप सीरीज में रेगुलर हो नंबर वन क्या आप चीजों को नोट्स बना के गाइस ऑलवेज मेक योर ओन रनिंग नोट्स, गाइस एक रिपोर्ट है बस जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ूंगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2021, देखो तो क्या करते हो आप लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव पब्लिस्ड रिपोर्ट रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया बात जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू की है ठीक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने इंडिया में बहुत सारे डेथ कॉज किए लॉस ऑफ लाइफ कॉस्ट किए कितनी मोर देन टू थाउजेंड मोर देन टू थाउजेंड लेस देन टू थाउजेंड माइड फ्रेंड्स रिपोर्ट इज पब्लिश बाई आई एम डी आई एम डी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बात जनवरी 2022 की है रिपोर्ट का टाइटल 21 है जाहिर सी बात है ठीक ऐसा पाया गया कि 2021 2021 दो हजार फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर है इट इज फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर सिंस 1901. ओ माय गॉड 1901 से 2021 सोचिए आप पांचवा सबसे गर्म वर्ष और 1750 लोगों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम गाइस विच बिल्कुल हिमांशु बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपने दिया है इसीलिए आपको मिलता है एक झमाझम बिग थम्स अप गाइज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन देखो आप इट वॉज योर सिंसियरिटी रेगुलरिटी परफॉर्मेंस चेक और आपको मिलता है सेवन आउट ऑफ सेवन स्टार ये लो आप सेवन आउट ऑफ सेवन स्टार ठीक विथ अ गुड स्माइली बचपन की बात याद आ रही है, है गाइज तो आई एम डी की रिपोर्ट है फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम बिल्कुल आचल महाराष्ट्र वाज मोस्ट एडवर्सली एफेक्टेड 350 डेथ लाइटनिंग और थंडर स्टॉम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइएस्ट डेथ फॉलोड बाई फ्लड हैवी रेन हैैंडस्लाइड साइक्लोन भी रिस्पॉन्सिबल है क्वेश्चन कैसे बना एज पर दुनना क्वेश्चन कैसे बना एज पर रिसेंट रिपोर्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया डूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिथ फिर ऑप्शन दिया लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉम फ्लड एंड हैवी रेन लैंड स्लाइड्स साइक्लोन्स ध्यान सुनना साइक्लोन्स हाई टेम्परेचर फिर सेलेक्ट द करेक्ट कोड अरे भाई टेम्परेचर के बढ़ने से ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बढ़े हैं ठीक ऑन वार्मिंग रिपोर्ट्स ऐसा देखा गया कि भाई हाईएस्ट वार्मिंग वाज जीरो इन 2016 0.71 डिग्री सेंटीग्रेड का लॉन्ग पीरियड एवरेज 1981 से 2010 पीरियड का याद आ रहा गाइस यस नो इस सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई हुई है बस एक क्विक रिकैप मुझे आपसे कराना था और आपसे क्वेश्चन पूछना था आई का एस जो लोग नहीं आंसर कर पा रहे हैं, वो पिछली क्लास की वीडियो को देखेंगे गाइस ये सीरीज बहुत ही औसम होने वाली है बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं बहुत चर्चा में है काजी रंगा काजी रंगा नेशनल पार्क बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा ठीक वेयर इट इज है कहां पे काजी रंगा नेशनल पार्क कहां पे है वाई रिसेंटली इन न्यूज recently in news ध्यान से सुनना गाइस लिसन वेरी वेरी केयरफुली ठीक अब कई बार यूपीएससी क्या करती है कि क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगी अब एक क्वेश्चन देखो आप स्ट्रिक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी ये देखो आप क्वेश्चन देखो आप ध्यान सुनना कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अच्छा और फिर स्टेटमेंट नंबर वन ठीक काजी रंगा ज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दूसरा काजी रंगा हैज ए टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व तीसरा ठीक रिसेंटली वाटर फाउल सेंसस वॉज कंडक्टेड ध्या सुनना रिसेंटली वाटर फाउल सेंसस वॉज कंडक्टेड ठीक चौथा फेमस फॉर वन हॉन्ड राइनो गेंडा फेमस फॉर वन हॉन्ड राइनो ठीक फिर आया क्वेश्चन सेलेक्ट इन करेक्ट कोड आपको इन करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है ए टू ऑनली बी थ्री ओनली सी वन ऑनली डी नन ऑफ द एब जल्दी से आंसर करें क्या इसका आंसर होगा जिनका राइट right आंसर होगा मैं उनका तुरंत मुस्कुराते हुए नाम लेने वाला हूं ऑलवेज जब हम टॉपिक को माइंड में क्वेश्चन फ्रेम करके पढ़ते हैं वेल डन निष्ठा आंचल गाइज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं हैव लुक ऑन स्क्रीन गाइज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट काजीरंगा इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट सही है हैज टाइगर रिजर्व हाल ही में यहाँ पे वाटर फॉल सेंसस हुआ है गाइज अगर मुझे आपसे और गलती कराना हो सी द ट्विस्ट ध्यान सुनेगा इन रिसेंटली वाटर फॉल सेंसस हैबिटेट डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इन देर पॉपुलेशन साइज इतना जस्टिफाइड लग रहा है फेमस फॉर वन राइनो सारे करेक्ट है इन करेक्ट कोई नहीं है सो एंसर यस नो आइए इस बात को और देखें। सेंसस इन काजी रंगा नेशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है पहले लाइन से मैंने क्वेश्चन पूछ दिया ये आपको स्वयं डियर टाइगर क्रोकोडाइल और वन हॉर्न राइनो का इमेज बहुत कुछ दिल हाल बया कर रहा है द पार्क रिसेंटली कंडक्टेड इट्स वाटर फॉल सेंसस ठीक आइए और समझते हैं सेंसस ये आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजी रंगा नेशनल पार्क दिख रहा है वेटलैंड्स में बर्ड काउंट इंक्रीज हुई है सी द जंप, सी द जंप, 175 परसेंट इन वन ईयर रिमार्केबल है अराउंड 126 स्पीशीज सिक्स वेयर स्पॉटेड तो मैसिवली जंप हुआ है सेंसस यूज पॉइंट काउंट मेथड डियर्स भी यहां पे देखी गई ठीक डियर की पॉपुलेशन घटी है डियर की पॉपुलेशन घटी है 907 से 868 पे आई है बिकॉज ऑफ फ्लड फ्लड रिस्पॉन्सिबल है डियर के पॉपुलेशन घटने के लिए सबमर्जेंस ऑफ हैबिटेट सारी बर्ड्स में बार हेडेड गीज वेयर इन ग्रेटेस्ट नंबर है ना ये आपको प्यारी प्यारी डियर दिख रही हैं हॉग डियर्स मेन फूड फॉर द टाइगर्स इन पार्क एलिफेंट्स भी स्पॉट किए गए गाइज हैव लुक ऑन स्क्रीन ठीक ये आपको काजी रंगा नेशनल पार्क असम का था ये डिब्रू शैखोआ पार ओरंग मानस ये आपको इंपॉर्टेंट रीजन आपको दिख रही है मैप में काजी रंगा को आप ऑब्जर्व कर लेंगे ठीक सो इन टू थाउजेंड नाइनटीन इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक्वेटिक बर्ड्स वेर काउंटेड अब नंबर काफी बढ़ चुका है स्वयं डियर बहुत ही प्यारा एनिमेशन आपके लिए है इनकी पॉपुलेशन घटी है एक इनका ट्रांसलोकेशन हुआ है टू मानस नेशनल पार्क क्योंकि वहां पे थ्रेट ऑफ फ्लड नहीं है ये देखो आप ठीक ये आपको मानस दिख रहा है डियर्स यहां से ट्रांसलोकेट हुई है इट इज नियर बाई ब्रह्मपुत्रा ये अवे फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा यहां पे फ्लड के चांसेस नहीं है ठीक तो फ्लड और ट्रांसलोकेशन रिस्पॉन्सिबल है स्वयं डियर्स आर एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे हैव फेस्ड ए स्टीप डिक्लाइन ठीक पूरे हिमालय रीजन में उत्तराखंड से अपर पार्ट ऑफ असम प्लेन्स ऑफ गेंजेस गोदावरी और इंडो गैस्ट्रिक प्लेन यहां आपको स्वयं डियर्स दिख रही हैं. ठीक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है इसमें राइनो पे टाइगर्स पे लायंस पे सब पे प्रॉपर फोकस दिया गया ठीक चलिए फिलहाल इसकी बात आगे हम और करेंगे गाइज मुझे आप बताओ कितना हम लोगों ने क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया है अभी आपने क्लाइमेट रिपोर्ट ऑफ इंडिया देखा एक रिपोर्ट आई क्लाइमेट हैजर्ड्स एंड वलनरेबिलिटी एटलस क्लाइमेट हजार्ड एंड वलेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया बहुत रिलैक्स बैठना ठीक और ध्यान से सुनना क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड किसने ये एटलस बनाया ठीक बहुत रिलैक्स बैठना आखिर हैजेट और वलेबिलिटी की बात हो रही है तो बट ऑब्वियस इट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रीम अभी आपने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रभाव को देखा है है ना एवरी ईयर एवरी ईयर अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो पहले इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बी मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस C. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. D. None of the above. Ministry of Science, Tech, Earth Sciences, Environment, Forest. None of the above. Char option, Con si Ministry. गाइस जल्दी से सारे सवालों के जवाब करते हैं क्लाइमेट हजार एंड वेलबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया साइंटिस्ट ऑफ सी आर एस हैव क्रिएटेड ए क्लाइमेट हेज़ार्ड एंड वॉल्यबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया ठीक सी आर एस क्या है क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेस क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेस जो आई के अंतर्गत है तो साइंटिस्ट ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज ने क्रिएट किया अंडर आई क्लाइमेट हेजार्ड एंड वालेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया इट इज ऑपरेटिंग अंडर आई एम डी साइंटिस्ट ने मैप बनाया अंडर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्टीन एक्सट्रीम वेदर इवेंट ठीक इन के रिस्क और थ्रेट को उन्होंने ध्यान में रखा आगे और समझते हैं एवरी ईयर आईएमडी अपनी फाउंडेशन को 14 जनवरी को बनाता है मैप वाज लॉन्च ड्यूरिंग दिस ईयर सेलिब्रेशन 14 जनवरी 2022 को यह लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस डॉ जितेंद्र सिंह ने इनको लॉन्च किया ओके आई एम डी वॉज एस्टैब्लिश इन एटीन सेवेंटी फाइव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन सिस्मोलॉजी और वेदर इवेंट है निक्स रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में इट इज वन ऑफ द सिक्स रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड भाई इंडिया के पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन गाइस आखिर ये एटलस क्या बता रही है आपको ठीक ये एटलस आपको बता रही है इंफॉर्मेशन अबाउट हीट वेव्स कोल्ड वेव्स एक्सट्रीम रेनफॉल थंडर स्टॉम लाइटनिंग स्नोफॉल साइक्लोन विंड फॉग एंड हेल स्टॉम ओ माई गॉड इट इबिलिटी वैल्यूज एंड हेजर्ड वैल्यूज ये आपको प्रोवाइड करेगी ये वैल्यूज किन आधार पे कैलकुलेट किए जाएंगे तो याद रखेंगे आप हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स एक्सट्रीम रेनफॉल थंड लाइटनिंग स्नोफॉल साइक्लोन्स, विंड फॉग और हेल स्टॉम्स वैल्यूज और दि वैल्यूज वेर कैल्कुलेट यूजिंग द हिस्टोरिकल क्लाइमेट डाटा ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इट प्रोज मंथ वाइजर्ड लेवल ऑफ इच डिस्ट्रिक्ट आपको बता रहा है ऑल कैटेगरीज मॉडरेट से लो हाई से वेरी हाई द मैप प्रोवाइड नॉर्मलाइज अवेलेबिलिटी इंडेक्स फॉर इच डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना लाइटनिंग कॉजेज हाइएस्ट कैजुअलिटीज इन इंडिया फॉलोड बाई फ्लड साइक्लोन एंड फॉग दे ऑल्सो कॉज हाई इकोनॉमिक एंड लिवलीहुड लॉसेस गाइज ये रिपोर्ट कई बार आपके मेन एग्जामिनेशन में भी स्ट्रेट पूछ दी जाती है हेडक्वार्टर ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेस कहां पर पुणे में है वेदर फोरकास्ट करेगा डब्ल्यू एस डाटा क्रिडेड डाटा रेडिएशन डाटा एग्रोमेट डाटा और मेट्रोलॉजिकल डाटा प्रोवाइड करेगा यह एटलस आपको अवेयर करेगा हेल्प टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स यूजेस डिजेस्ट डाटा ऑर्ली ऑटोग्राफिक डाटा साइक्लोन ट्रैक डाटा डेली रेनफॉल डाटा पॉपुलेशन डेंसिटी डाटा भाई साइक्लोन का ट्रैक करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे हाई है लो है स्टॉम का सर्ज ज्यादा या कम इन सारी बातों पे वो जबरदस्त फोकस करने वाला है याद रहेगा गाइस मैंने बार बार आपसे वादा किया है कि एक बहुत ब्रॉड कवरिंग होगी गाइस बहुत साइंस जितना एडवांस कर रहा है आजकल चर्चा में है आइस फिश आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी ये क्या है आइस फ्रिश ब्रीडिंग कॉलोनी चर्चा में है इट इज इन न्यूज क्वेश्चन इस कहा न्यूज में है ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन एंटार्क्टिक रिजन ठीक नन ऑफ द एबव चार ऑप्शन है ग्रीनलैंड आर्गटिक एंटार्टिकूकि आइसलैंड मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया है आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी क्या आपने हिंट इज क्या आपने वेडल सी मैंने गाइस मैपिंग में कराया है वेडल सी आपने ऑब्जर्व किया है इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देंगे व्हाट इज नियो ये क्या है एक एम्फीबियन है एक मरीन फॉसिल है एक लिजार्ड है एक आइसफिश है इस तरह के ऑप्शन ठीक ये डिस्कवरी फेब 2021 की बात हो रही है आइए जरा इस पर प्रकाश डालते हैं एंटार्क्टिक का आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी ये आपको दिख रहा दे है देखो, आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी ठीक द डीप सी साइंटिस्ट हैव फाउंड एन आइस फिश ब्रिडिंग कॉलोनी इन द वेडल सी ऑफ एंटार्क्टिका यह आपको एंटार्टिका दिख रहा है यह आपको वेडल सी दिख रहा है यहां पर आइस फिश की कॉलोनी मैप दे दिया ये एक्स मार्क कर दिया और आपसे पूछा रिसेंटली एक्स इज इन न्यूज ए डिस्कवरी ऑफ ह्यूज ऑयल रिजर्व डिस्कवरी ऑफ मरीन फॉसिल डिस्कवरी ऑफ आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी ठीक सेलेक्ट द करेक्ट कोड और इस तरह के ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे साइंटिफिक नेम देखिए नियोपैग्रोटोपसिस आयोना, ना हिसाब बता रहे कि भाई ये साइंटिफिक नेम आपको नहीं आएगा आयो ना याद ना कितना भी नया सीखो पेज पलटते रहो उप्स उप्स करते रहो नियो पैग्रोटॉपिस आयोना याद रहेगा अजीब नाम है शब्दों को तोड़ दिया भूलोगे नहीं किसान ने कहा था उप्स उपस करते रहो नियो नियो करते रहो पेज पलटते रहो आयो नाइस आगे और प्रकाश डालते हैं फेब 21 वन में इसकी खोज हुई ब्रिंग नेस्ट इनके हाल ही में खोजे गए हैं इनके ब्रिंग नेस्ट हाल ही में खोजे गए हैं आपको आपका खून कैसा है गैस आपका खून कैसा है ओ माय गॉड सर कैसी बात कर रहे हो मेरा खून गर्म है मेरा खून लाल है लाल है भाई क्योंकि आपके पास मेरे लाल आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है जितने लोगों को भूलने की टेंडेंसी ज्यादा है आप ज्यादा से ज्यादा आयरन रिच डाइट लें क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जितनी बनेंगी उतनी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी इस आइस फिश का जो ब्लड है है न मजे की बात इट इज ट्रांसपेरेंट इस मछली के पास कोई हीमोग्लोबीन नहीं है ताकि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर पाए ये एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है भाई कई बार दुख भरी दास्तान में दुख भरे माहौल में आपको अनुकूलन एडेप्टेशन करना पड़ता है तो वो आपका हैप्पी नहीं है मछली के ब्लड का ट्रांसपेरेंट होना भी इसका हैप्पी इवोल्यूशन नहीं है देखो आप द ब्लड ऑफ आइस फिश इज ट्रांसपेरेंट हैव हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इट इज एन इवोल्यूशनरी एडप्टेशन इट इज नॉट ए हैप्पी इवल्यूशन ये इसका हैप्पी इवल्यूशन नहीं है गाइस तो ये आखिर ऑक्सीजन कहां से लेगा कुछ आप मुझे यह बताओ इमोशनल मत होना आप मुझे यह बताओ अर्थ वार्म केचुआ देखा है यस yes, नो no. अर्थ बॉम्ब केचुआ देखा है यस yes, नो no. क्या ये दिखने में क्यूट है सर कैसी बात कर रहे हो कैसी बात कर रहे हो जो दिखने में नहीं है क्यूट उसका रेस्पिरेशन क्यूटेनियस दिखने में नहीं है क्यूट रेस्पिरेशन क्यूटेनियस मतलब स्कीन इज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग ये अपने स्कीन से ब्रीदिंग कर रहा है क्या ट्रिक दिया दिखने में नहीं है क्यूट रेस्पिरेशन क्यूटेनियस इस आइस फिश का भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है ठीक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू देयर स्कीन ह्यूज हार्ट है डेफ्थ ऑफ 92 टू टू हंड्रेड मीटर्स ये मिलेंगी ठीक याद रहेगा द नेस्ट वेयर आ फूट वाइड हर नेस्ट के पास हजारों एक्स हैं। face, so है मेल गार्ड द नेस्ट फ्रॉम द प्रिडिटर्स सच एज स्टार फेस अंटिल द एक्स हैच तो मेल्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे बॉयस कुछ सीखो मेल ऑल्सो क्लीन द नेस्ट दे यूज दर इलोंगेटेड जॉ टू क्लीन द नेस्ट इच नेस्ट इज गार्डेड बाई सिंगल मेल आइसफिस कितना जिम्मेदार मेल्स है बॉयज इमोशनल मत होना है ना तो इनके पास हिमोग्लोबिन नहीं है अब देखो कैसे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बना इन सी आइश फिज रिसेंटली इज फाउंड एज इट इज सर्वाइविंग अंडर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देर हीमोग्लोबिन इज हाई इन ब्लड अरे भाई ये मुझे थैंक्स बोल रहा है शुक्रिया गुरुजी आपने हमारी बात की ठीक बिल्कुल अच्छी सी बात है तो ये आपको अंटार्कटिका रीजन में लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड ये बात आपको याद रखनी है यूनिक वार्म वाटर्स क्या है ये वार्म पैचेस ऑफ वाटर में पाई गई इट वाज़ यूनिक एंड स्ट्रेंज टू साइंटिस्ट कि भाई इनका टेम्परेचर थर्टी फाइव डिग्री फॉरन हाइट तक पाया गया चलिए फिलहाल सो दो कुछ कोरल्स कोल्ड वाटर भी होती हैं। मैंने आपसे वेडल सी की चर्चा की यह सदर्न ओशन में लोकेटेड है ठीक इट हैज क्लियरेस्ट ऑफ वाटर ये आपको केप सी आपको दिख रहा है है ना गाइस? क्या इतनी बात हमें समझ में आई यस नो गाइज ये क्या है नुसांतरा एन यू एस ए एन टी ए आर ए अंतरा का नुसांतरा क्यों चर्चा में है वाई इट इज इन न्यूज बट ऑबियस आचल मछलियां कोल्ड ब्लडेड ही होंगी दे आर पॉइंट किलो थम्स न्यू संतरा क्या है इसका कुछ लेना देना जकार्ता से है जकार्ता से है जल्दी से फटाफट देखते हैं नुसांतरा इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल क्यों आप जकार्ता से बाहर निकल गए प्लान क्या है नाम क्यों रखा ठीक आर मूविंग टू कैपिटल ईस्ट कैलिमेंटन इट इज नाउ कॉल्ड न्यूसांतरा पहले जकार्ता वाज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया मैप में आप इसे ढूंढेंगे ठीक स्क्रीन पे आप इंडोनेशिया घूम लेंगे और मैप में आप इसे ढूंढेंगे तो ईस्ट कैलिमेंटन और जकार्ता इज लोकेटेड इन बोर्नियो आईलैंड फाइन द प्लान टू शिफ्ट कैपिटल वॉज अनाउंस इन टू थाउजेंड नाइनटीन इट वॉज अनाउंस प्रेजिडेंट जोको फिडोडो कितना प्यारा नाम है, है ना आप देख पा रहे हो इनका कैपिटल को शिफ्ट करना है इतनी बात क्लियर हुई आइए जरा इस बात को और समझते हैं जकार्ता हैज बिन कैपिटल सिंस 1949। यहाँ पे एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल इश्यूज आ रही हैं। पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है वर्ल्ड के पॉल्यूट सिटीज में ये टॉप रैंक कर रहा है ठीक और आप इवनिंग वाली क्लास में पोल्यूशन के आप प्रभाव देख रहे हो जकार्ता जावा आइलैंड में है और नुसांतरा बोर्नियो आइलैंड में है बोर्नियो आइलैंड इज लार्जर जकार्ता की डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है ठीक इसीलिए चूंकि बोर्नियो की डेंसिटी और पॉपुलेशन कम है पोल्यूशन कम है एनवायरमेंटल हजार्स कम है और जकार्ता इज सिंकिंग जकार्ता इज सिंकिंग ऐसा मालूम ऐसा एक थ्योरी चल रही है कि 2050 तक ओ माय गॉड मैसिव पार्ट जकार्ता का डूब जाएगा जकार्ता इज सराउंडेड बाई सेवरल रिवर्स ये देखो आप जकार्ता इज सिंकिंग by 2050 most मोस्ट ऑफ जकार्ता इज एक्सपेक्टेड टू water. It वाटर इट इज several rivers. सेवरल रिवर्स रिवर्स आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्लड और 2019 के बीच में 10.7 सेंटीमीटर माय गॉड सिटीज जकार्ता के डूब गए सोच रहे हो आप हम लोगों ने नेचर के साथ खेला अब नेचर ने हमको रिटर्न गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया है ठीक सो गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग्स हैं फॉरेन एम्बेसी की बिल्डिंग्स हैं सब नुसांतरा मूव कर रहे हैं नुसांतरा का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड आर्की पेलैगो उनकी भाषा में ठीक तो इसलिए मोर देन टू फिफ्टी थाउजेंड हेक्टर्स ऑफ लैंड उनको एलोकेट किया गया है नुसांतरा मीन्स आर्की पेलेगो इट रिप्रेजेंट्स फिलोसॉफिकल सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट तो उसकी बात ये आपसे गाइस कर रहा है

चेंज किया है क्या ब्राजील ने अपनी कैपिटल को कहां से कहां कर दिया डैश टू डैश कहां से कहां कर दिया ये देखो आप सो so, ब्राजील चेंज फ्रॉम डी इजनेरियो टू ब्रासिलिया ब्रासिलिया ये डी इजनेरियो थोड़ा और सेंट्रली ये लोकेट हो गया नाइजेरिया चेंज कैपिटल फ्रॉम लागोस टू अबूजा 1991 कजाकिस्तान चेंज कैपिटल फ्रॉम अलामटी टू नूर सुल्तान म्यांमार टू थाउजेंड फाइव में रंगून टू नेपिद्यो तो ये आपको कुछ चीजें दिख रही हैं माइड फ्रेंड्स आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें अपनी खूब जमाजम स्टडी करें फॉर योर अनकेडमी सब्सक्रिप्सन आपको कोड यूज करना है अजीत लाइव दैट इज गोइंग टू बी योर कोड ऑफ सक्सेस माइफ्रेंड्स आप जानते हो कि एक औसम awesome कंटेंट के साथ मैं आपके लिए अवेलेबल हूं चाहे वो स्टेटिक पार्ट हो सो डोंट मिस नाइन पी एम सेशन ऑफ शंकर आई एस ऑन दिस चैनल बहुत जल्दी गाइस कल से मैं स्पेशल क्लास प्लान करने वाला हूं एंड माय एट ऑन दिस चैनल एनुअल करंट अफेयर सीरीज आप अपने ऑसम कमेंट्स वीडियोस पे कमेंट जरूर करें ठीक और लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं रात नौ बजे झमाझम सेशन में अपना बहुत ख्याल रखें और इस कोड ऑफ सक्सेस को न भूलें दैट इज योर अजीत लाइफ